और यहाँ पर मैंने बनाया शोर जी का नाश्ता, क्योंकि हम लोगों ने आज जल्दी कर लिया था और ये एंड में कर रहे हैं। और यहाँ पर हो रही है बारिश, आज सुबह से ही बारिश हो रही है बहुत तेज, और सारी गंदगी हो रही है बस। लाइवों पे बड़ी मुसीबत आई है, सुबह एक दांत टूटा है और फिर अब एक दांत हिल रहा है और बहुत ही ज्यादा हिल रहा है दांत। यू करिए हां, अब मुंह खोल, अबे मैं बस यूं देख मुंह खोल के देख, मुंह में तो मेरे कांटे ही क्या। चलो मैं पकड़ लूं, तू तो छोड़ दे भाई, ये तो खोल मुंह, ये सर तो हटा, ये देख मुंह तो खोल, मैं देख लूंगा अभी, ये तो खोल थोड़ा सा मुंह खोल, ऐसा करो इसका हाथ काट भी है, ऐसा करो इसका हाथ पर पकड़ो मुंह लुआओ। अबे नहीं ना, पागल हो गया। अरे भाई अब बच्ची सेम जाएगी, छोटी सी मुन्नी है मेरी। हां चलो मैं आज धागा ले गया था मां बेटी के दांतों पर मुसीबत है, धागे नहीं हो जाएगा तुम 100 रुपए दूंगी, 100 रुपए अभिजीत, 100 रुपए नीचे पड़ जाएगी, 100 रुपए दोगे अपना हाथ से तोड़ दो, 100 रुपए दूंगी, और पापा तोड़ेंगे तो कुछ नहीं दूंगी। तोड़ गया, टूट गया। बेटा विंडो दिखाओ, विंडो कैसी खुली, विंडो है। वाह बहुत ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, और ये दांत तो अब इसे दांत को तो रख दो, जहाँ सुबह वाला दांत रखा हुआ था कहाँ रखा था, ये रखा इनने छुपा के, सुबह जो दांत तोड़ा था मैंने, सुबह मैंने तोड़ा था, पापा ने तोड़ा है, और ये लाए पर रख रही है कि सुबह उठूंगी ना मैं, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सोना चांदी, क्या मिलेगा, गिफ्ट बोली है, गिफ्ट पता नहीं सर कौन बेचारे को गिफ्ट देगा। ये रख दी इन्हें संभाल के दोनों दांत, अरे मेरी बच्ची, ये होता है बचपन, अभी छुपा के रख रही है, गिफ्ट मिलेंगे आज रात को, मैं चोरी करूंगा ना, दांत अब ना जबान मत लगाना वरना दांत टेढ़े मेढ़े निकलेंगे, दत्त तो बन जाओगी वरना फिर तुम, अच्छा जी तुम ही तोड़वाओ तो अपने दांत पापा से, हाँ तेरे पापा के तो एक ही घूसे में मेरा सारी 32 निकल जाएगी। अब मैंने बनाया यहाँ पर दाल चावल, कितना शोर मचाते हो तुम लोग, खाते टाइम चुपचाप खाते हैं और बस घर के तो दाल चावल मजा ही आ जाता है, और ये फेस नहीं खाता हमारा ये वाली दाल, हम लोग तो शौक से खाते हैं दाल, डाल के दिखाओ और ये मैंने रख दिया कुकर, इसके अंदर डाल दिया ऑयल, ऑयल हो गया गरम, और ये मैं डालूंगी प्याज, और ये मैं बना रही हूँ आलू गोश्त, और ये है नेक्स्ट डे, क्योंकि रात हमने बनाए थे दाल चावल, और अब दोपहर में मैं बना रही हूँ, सोचा तो छोड़ दी, तो ये कह रहे थे कि ताजी बना लो दोपहर में, पर मैंने कहा नहीं ताजी नहीं आलू गोश्त बना लूँगी, दोनों टाइम का हो जाएगा। अब मैंने सोचा आलू गोभी बना लेते हैं अपना, दोनों टाइम का ही हो जाएगा, फिर ये है कि फिर बनाना पड़ेगा, फिर शाम को अलग बनाना पड़ेगा। लाए बाबा तो पता नहीं क्या लग रही है, कड़ी चावल खाऊंगी, कड़ी चावल खाऊंगी तो शोर मचा रहा है, क्या लगा दोपहर में बनाया मैंने आलू गोश्त, और दोपहर में तो मज़ा ही आ जाता है, निकालो भाई सब जल्दी जल्दी, भूख लग रही होगी। बिस्मिल्लाह, और इधर हो रही है बारिश, ओहो बारिश तो रुकी नहीं, जब से हमने नैनीताल से आया ना बारिश रुकी नहीं है, बारिश लगातार हो रही है, और इतनी मैं बस पसीनों में बस तर बतर हो रही हूँ। निकालो नींबू, रखा हुआ फ्रिज में नहीं है, नहीं है बेटे, दही किस खुशी में लाए हो तुम, अपनी खुशी में आज आलू गोश्त बनाया,
वैसे फेज ने बोला था आलू गोश्त के लिए, है ना? पापा ने नहीं बोला था, तुमने बोला था। मैंने किसने बोला? और लाइबा की पसंद की भी बनाऊंगी, कड़ी बनाऊंगी, कड़ी चावल। मैं ना ओफो, फेस की तो नहीं याद आ रहा है। यहाँ पर मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि चाय पीने का इतना ज्यादा दिल कर रहा है, इतना ये समझ लो हम जो नैनीताल से आए, इतनी ज्यादा थकन हो रही है कि बहुत बहुत ज्यादा थकन हो रही है। अच्छा, साथ में लाइबा की भी गर्दन मिल रही है। और तो बस नैनीताल से आते ही आए हमें करीब 3-4 दिन हो गए, लेकिन ये है कि मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि जो नैनीताल में जो ब्लॉग मैंने बनाए थे वो ही देरी से चल रहे थे, क्योंकि वाईफाई की प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पर। और वाईफाई था भी रूम में, फिर ऐसा नहीं था, पर यह था कि अपलोड करने में टाइम लगता है और फिर हमें घूमने जाना होता है, तो जब भी मोबाइल चाहिए होता है रूम में, वैसे भी मैं अपना मोबाइल नहीं छोड़ सकती थी, तो इस चक्कर में लोग अपलोड ही नहीं हुआ। और यहाँ पर भी मैं आई हूँ तो इतनी ज़्यादा थकन, और हम तो पिछली बार गए थे जनवरी में गए थे, जब बर्फ़ गिर रही थी जब गए थे, जब भी हम तौबई करके आए थे सर्दियों में गए थे ना, जब भी हम तौबई करके आए थे, और अब जो हैं अब भी तौबई करके आए हम भी। और बस जब से आए हैं, जब से कपड़े धोए मैंने इतने, और जब से हम यहाँ पर आए ना बारिश हो रही है, बारिश जो हमने वहाँ से देखी है ना यहाँ तक, मतलब बीच में नहीं हुई है, लेकिन जब हम यहाँ पर जो रुके थे फिर जो सुबह हुई थी तो बारिश ही हो रही थी, रास्ते में नहीं हुई थी, रास्ते में वहाँ पर हुई थी, हम नैनीताल हाफ नैनीताल में थे वहाँ पर जब हुई थी। लेकिन ये है कि पिछली बार भी हम गए थे तो क्या हुआ था, पूरा बैग जो था ना कपड़े जो भरा हुआ था, पूरा बैग कपड़ों से गीला था, बिल्कुल तरबतर, क्योंकि नैनीताल जाकर तो वहाँ पर ना क्या होता है, वहाँ पर कपड़े सूखते ही नहीं हम लोगों के। और सही बात है लाइबा के लिए, सही बात है। तो अब कपड़े तो धो लिए मैंने, लेकिन सारे ऊपर नीचे सब फैला दिए मैंने, लेकिन क्या है बारिश हो रही है, कपड़े गीले हो गए तो मैंने उठाए नहीं, फिर रहने दिए, लेकिन जो सूख गए थे जो मैंने यही किवाड़ पे फैला रखे थे वो सूख गए, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये है कि जब से बस वो व्लॉग नहीं बनाया मैंने, क्योंकि क्या होता है मेरे काम करने की स्पीड माशाल्लाह से अच्छी खासी है, तो जब मैं व्लॉग बनाती हूँ तो फिर देर हो जाती है मेरे काम को भी। तो तुम्हारे किसी की कॉल आ रही है, काम देरी से ही होंगे, तो मैंने फटाफट से वो काम निपटा किचन की, फिर एक बार से दोबारा से सेटिंग करी है, जो एक्स्ट्रा सामान था और वो भी हटाई दिया मैंने, और बस ये सिर्फ पाइप के वजह से ये वाला गेट ये बन नहीं होता कबाड़ का, और बाकी अभी मोटर चलाई है, मैं सोचा चलो चाय भी बना ही लेती हूँ हाथों हाथ, थोड़ी सी दो बातें भी कर लेती हूँ, क्योंकि जब से मैं घर पे आई हूँ ना, सच बताऊँ मेरा ना ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं इतनी ज़्यादा थकन है, बच्चे भी शोर जी भी, और शोर जी तो उनकी भी इतनी तबीयत ख़राब हो रही है थकन के मारे, थकन हाँ भी हो गई, वो तो अभी गए नहीं, अब कल से हमारी होगी रूटीन, बारिश रुक जाए लपाक, क्योंकि झड़ लगा हुआ है तो सही वाला, फिर क्योंकि बच्चों को स्कूल भी खुल गया, और बच्चे स्कूल भी जाएंगे, ट्यूशन भी जाएंगे, ये भी जाएंगे, फिर से अपनी रूटीन पर आएंगे हम लोग। और बस ये रूटीन चेंज हो जाती है ना, इससे पता दिक्कत हो जाती है, अच्छा खासा हम लोग रूटीन पर ही चल रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है रूटीन से फिर वही हो जाता है, छुट्टियाँ हो जाती हैं तो उसमारे फिर, तो बस अब क्या करें, फिर से रूटीन बनानी पड़ेगी। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है दूध फट गया, दूध जो है वो फट गया, मैं क्यों फाड़ती काम खाई, लेकर आई हूँ दूध, जो चाय बनाई थी वो हमारी फट गई है, दोबारा से बनाने, पहले सबसे पहले इसको फरीफान को धोना पड़ेगा, वरना ये भी लाइबा प्लीज हटेंगे आप, एक तो लाइबा ना सही होता हूँ, बहुत बहुत डिस्टर्ब करती हूँ, फटे तो सही, मजा आता है, मजा आता है, दिल दुख रहा है मेरा, दूध फट गया सारा, ऐसे फेंकना, दूध बैठ के भी हो जा, बैठ के
मैं बहुत ध्यान रखती हूँ उस चीज का कि कोई भी चीज वेस्ट ना हो। ये कैसे हो गया? ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? ये इसकी वजह से हुआ। मैं बता दे क्या हो और सच बताऊँ नैनीताल गए थे, कहीं ना कहीं मैं भी सोच रही थी ब्लॉग मेरा अच्छे आएंगे, लेकिन सच बताऊँ मैं उस तरह से ब्लॉग नहीं बना पाती, क्योंकि क्या होता है ना, पहले सबसे पहले जो जिम्मेदारी है वो है बच्चों की और बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों को तैयार करना, ये काम बहुत होते हैं। तो उस हमारे ब्लॉगिंग में इतनी ज़्यादा नहीं कर पाती ना मैं बोल पाती, और फिर छोटे बड़े सभी हॉबी में होते हैं तो अच्छा नहीं लगता उन सबके सामने ब्लॉगिंग करने। वैसे तो खैर सबको पता मैं ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन ये है कि एक जो होता है ना कि और बाद टाइम तो खैर मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं यूँ ब्लॉग बना रही हूँ मोबाइल ही लेके भाग जाएगा, मुझे ऐसा भी लगता है, लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है। वैसे जब से हम नैनीताल गए जब से हम तेज पत्ते की पीने लगे, वरना थोड़ी हल्की पत्ते की बनाती थी मुझे, लेकिन अब बनाने लगी मैं तेज पत्ते। और ये चाय खूब अच्छे से पक रही है और ये कलर भी खूब अच्छा आ रहा है गुलाबी। और ब्लॉग में ये भी जो बनाया था मैंने दाल चावल वो कल शाम में बनाए थे, और आलू गोश्त जो बनाया था वो मैंने आज दोपहर में बनाया था, लेकिन ये है कि पूरी तरीके से सही से मैं नहीं बना पाई ब्लॉग इस मारे, बस थोड़ा खाना खाने के लिए ले लिया था, और थकन भी इस कदर हो रही थी क्योंकि कपड़े समेटने में नहीं आ रहे थे। तो क्या था जो बेड के कपड़े थे ना, क्योंकि हम लोग गए थे तो थोड़े गर्म कपड़े लेके गए थे, अपने तो नहीं लेके गई थी मैं, बच्चों के लेके गई थी, अपना सिर्फ शैनल का लेके गई थी मैं, ब्लैक वाला जो है ना, बाकी बच्चों को लेके गई थी क्योंकि सर्दी और फिर पर्दे ऐसे हैं तो हमारे। लेकिन अब यह है जब तक वो कपड़े धोकर सुखाकर बेड में ना रख दूँ मैं, जब तक यह घर फैला ही रहेगा। लेकिन आज कुछ जो हद तक काफ़ी घर साफ है माशाल्लाह से, अगर यही मैं ब्लॉग बनाती ना तो मेरा काम ये और दो दिन का ना चार दिन में होता मेरा काम। चलो बातें करते करते हमारी चाय भी बन गई। और चाय इस टाइम सब बच्चे भी पिएंगे क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, और ये छन्नी ऐसी होती है इसमें से चाय थोड़ी ऐसी झलक जाती है। और बारिश तो लगातार हो ही रही है, लेकिन अंदर जाऊंगी तो मौसम सही हो जाएगा। और बस चाय बन रही रेडी। लो भाई लो, चाय के साथ बिस्किट ले आते, लिया ब्रेड, और मेरा बच्चा ये था काम तो बहुत अच्छा करता। हाँ सही है, लहाट और ये फेज अपने खाने की बहुत चिंता होती है। आज चाय पी लो। और बस मैं जो थोड़ा बहुत व्लॉग बना पाई हूँ यही बना पाई हूँ, क्योंकि जब मेरे पे काम का प्रेशर ज्यादा होता है तो मैं व्लॉग को छोड़कर काम सिमटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह बच्चों का मेरा और ये होता है काम बहुत ज्यादा हो जाता है बच्चों के साथ में, तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह में मेरे बच्चों की उम्र लगा नसीब अच्छा करे। लाइबगी गाड़ी में कड़ी चावल पटकी हुई है, वहाँ पे कड़ी चावल बनाऊंगी बेटा, अभी बनाऊंगी अपनी, अभी बरसातों में नहीं खाते कड़ी, पेट फूल जाएगा तुम्हारा, छोटी सी दल में हो रही, बनाऊंगी बनाऊंगी छाछ की, बनाऊंगी छाछ की, हाँ बनाऊंगी। तो मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना।